Hey guys, welcome back my YouTube channel your Jharkhandi vlogs. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope ठीक होंगे. मैं भी बहुत ही मस्त हूँ. बहुत दिनों बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है. So guys, सरस्वती पूजा के कारण मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था और काफ़ी समय से मैं ऐसे टूरिस्ट प्लेस या पिकनिक स्पॉट ब्लॉग नहीं अपलोड किया था. So guys, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि guys, आज जिस प्लेस पर हम लोग आए हुए हैं नाम ही काफ़ी है इसके लिए. क्योंकि गाइज ये जो प्लेस है, ये प्लेस का नाम है छोटा बांकी. डीमना चौक से लगभग ये 10 किलोमीटर के अंदर में ये प्लेस आता है. सो गाइज आप लोग व्यू देख सकते हो. तो गाइज आज मैं इस ब्लॉग में आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ छोटा बांकी का. आज मैं आपको पूरा एक सिनेमैटिक लुक देने वाला हूँ, सिनेमैटिक ब्लॉग बनने वाला. चलिए फ्रेंड्स, इस सिनेमैटिक ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको पूरा दिखाता हूँ इस छोटे बांकी को और किस प्रकार के यहाँ ब्यूटीफुल प्लेस है. सो गाइज मैं ऐसे प्लेस पर क्यों आता हूँ, सबसे पहले ये मैं आपको रीज़न एक बता देता हूँ. नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, लड़की लोग से कम प्यार है गाइज मुझे. कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं आता रहता हूँ ऐसे नेचर पे. तो गाइस आज संडे भी था तो मैंने सोचा कि मैं चलो चलते हैं आज ब्लॉग बनाने के लिए. तो मैं आ गया हूँ गाइस और मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड है और मैं दो जन बस और ये मैं. तो गाइस जमशेदपुर में भी इतने अच्छे अच्छे पॉपुलर प्लेस है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. बहुत कोई बोलते हैं कि जमशेदपुर में प्लेस नहीं है घूमने के लिए या अदर स्टेट जाते हैं झारखंड के अंदर अच्छे प्लेस नहीं है घूमने के लिए. लेकिन मेरे इस चैनल में आपको हर एक चीज़ जमशेदपुर के झारखंड से रिलेटेड आपको ब्लॉग मिलेंगे. टूरिस्ट प्लेस, पिकनिक स्पॉट प्लेस, मॉल ब्लॉग, बहुत सारे ऐसे प्लेस जो पॉपुलर है झारखंड के अंदर, जमशेदपुर के अंदर, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट हुए आपके इस सिनेमैटिक ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको पूरा दिखाता हूँ इस छोटे बांकी को सीधा. सो गाइस ये डैम है, इससे नदी जो पानी ओवरफ्लो होता है वो इससे खेती की ओर जाता है. तो फ्रेंड्स आप लोग व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है. और ये गाइस बेसिकली एक डैम है जो पानी को रोक के रखा है और जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो नीचे की ओर जाता है. और इस जगह पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहता है. या आप चांडिल डैम पर जाओ या डीमना लेक पर जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर इस प्लेस पर आपको भीड़ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं. तो आप लोग आ सकते हो गाइस. मैं डिस्क्रिप्शन में इस जगह का पूरा मैं आपको लोकेशन दे दूंगा ताकि आप लोग को आने में कोई दिक्कत ना हो. आप लोग आ सकते हो, घूम सकते हो. सो गाइस चलिए ड्राइविंग कर लेते हैं. अब कार को चलाते हैं आगे, डैम को पटरी को खोलते हैं. बहुत मज़ा आया चला के.
फ्री का कार तुम चला सकता है, एज 18 हो या ना हो आप लोग कार चला सकते हो। गाइस बेसिकली एक रूम है यहाँ बना हुआ, ऊपर आप लोग देख सकते हो चदरा कुछ बना हुआ है और इधर से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये ऊपर डैम का सीन है, यहाँ से कुछ नीचे का पटरी खोला जाता है जिससे उधर पानी जाता है। पता नहीं गाइस वो क्या बेसिकली क्या बोला जाता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर आप लोग देख सकते हो ये रहा, ये कार का जैसे स्टेयरिंग होता है वैसा लग रहा है गाइस। तो चलिए थोड़ा और उस साइड पहाड़, बस पहाड़ पर्वत यही नज़ारा है गाइस। और बेसिकली गाइस ये पिकनिक स्पॉट ही है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस पिकनिक स्पॉट है, मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। पानी का कुछ व्यू है उधर, मैं आपको व्यू दिखा दूँगा। तो गाइस मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो और पॉपुलर प्लेस का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप लोग को मिल जाए। तो चलिए चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। फ्रेंड्स मैं जा रहा था और रास्ते में देखिए मुझे क्या मिला है, आगे डैम है गाइस उधर देख सकते हो आप लोग, और इस साइड में गाइस देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यार, चीज है गाइस ये सब, जब देखता हूँ ना मुझे प्यार हो जाता है इस चीज से। माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हालत आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा स्थिति खराब है इसका, तो अभी इलाज की जरूरत है लगता है, अभी इसको इलाज कराना पड़ेगा। सो गाइस आप लोग व्यू देख सकते हो इसका, दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। लगता है गाइस इसे बहुत पुराने समय से रखा गया है। और भाई तुम कहाँ चढ़ रहा है, चलाएगा अब, ये चलाने वाला है गाइस। तो गाइस देख सकते हो व्यू देख सकते हो इसका कितना प्यारा है। और एक गाइस इधर भी है, लगता है ये भी सड़ चुका है, पता नहीं गाइस ये भी पूरा सड़ा हुआ है। तो चलिए पहले तो कुछ फोटो क्लिक करा रहे थे, इससे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, इससे कुछ फोटो क्लिक कराते हैं उसके बाद देखते हैं आगे। सो गाइस फाइनली मैंने आपको दिखा दिया छोटे बाकी को पूरा सिनेमैटिक लुक, डैम का मैं पूरा आपको व्यू दे दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, छोटा सा एक सिनेमैटिक ब्लॉग बनाने का मैं प्रयास किया हूँ। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग प्लेस के साथ, इंटरेस्टिंग पिकनिक स्पॉट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।